नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है, लास्ट चार पांच एपिसोड शनि के साथ कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं, उनके ऊपर ये एपिसोड चल रहे हैं। और ये नेक्स्ट एपिसोड है, क्या शनि ग्रह जो है उनका जो रत्न है नीलम के साथ, देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, लोग हमें पूछ रहे हैं, तो आज उस वहम भ्रम को दूर करते हुए मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूं। तो बात कर रहे हैं शनि ग्रह की। अगर आपने नीलम रत्न धारण करा हुआ है, नीलम बहुत ही बढ़िया रत्न है, बहुत ही प्यारा रत्न है, आपको जीरो से हीरो की तरफ लेके चलेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूं, अगर शनि आपके लग्नेश है, लग्नाधिपति है, योग कारक प्लेनेट है, तो नीलम आपके लिए वारे न्यारे। तो देवगुरु बृहस्पति का पत्थर है पीला पुखराज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। उसका कारण सुन लीजिए क्या है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि शनि कर्मों के ऊपर डिपेंड होकर आपको रिजल्ट देता है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु, वो भी न्याय प्रिय है, वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही एक सच्चाई के साथ चलने वाले हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बुरा नहीं है अगर आप पहनते हैं। इस कॉम्बिनेशन को और आगे मैं कैसे आपको क्लियर करूंगा, एपिसोड में आगे आपको बताऊंगा। बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति का रत्न जो है वो पीला पुखराज गोल्ड में धारण किया जाता है। दिन है वीरवार, पूजा करवा के, शुद्ध करवा के आप इसे धारण करिए। कई बार हमें कॉल्स आती हैं कि रमन जी, हमने धारण करे हुए हैं लेकिन रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आया। तो दोस्तों, उसमें पत्थरों में कमी है, वैसे कोई कमी नहीं है। जा आपने पत्थर अच्छे लिए होंगे, उसकी पूजा शुद्ध ना करवाया होगा, लैब टेस्टेड ही ना होंगे, ग्रेविटी उसकी जीरो होगी। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसे आप आगे लेके चलेंगे। अब एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक पत्थर आता है जिसे पीताम्बरी बोलते हैं। यह आधा नीला होता है, आधा पीला होता है, जहां पीले के अंदर कुछ नीले डॉट्स, नीली निशानी होती है इसकी। तो मतलब एक कॉम्बो में भी यह पत्थर अवेलेबल है। अगर आप दो नहीं पहनना चाहते हैं तो एक भी पहना जा सकता है। तो दोस्तों, पहनिए जरूर, आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा इसे पहनने से। अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया है तो नीचे स्क्रीन पे दोस्तों मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कॉल मी। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके टेलीफोन पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, पर्सनली आके चंडीगढ़ ऑफिस भी मेरे से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, इस एपिसोड को अगर आप लाइक करते हैं तो मैं बोलूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डे बाई डे नए अपडेट्स आते रहें। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा कि जो आपकी वहम भ्रांतियां हैं वो सारे क्लियर होनी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये रत्न धारण करे हुए हैं या आप एक एक्सपर्ट की राय के साथ इसे कुंडली का विश्लेषण करवा के धारण करना चाहते हैं तो जरूर करें, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।